अभी यहाँ पे बिरयानी का इंतज़ाम किया है। यहाँ पे इनके ये जो दोस्त है, ये सामने ये जो दुकान है, ये इनके दोस्त का दुकान है, इनके फ्रेंड का दुकान है। आप कुछ भी आओ तो यहाँ लेना, बड़े अच्छे लोग हैं ये। और ये इस होटल में, यहाँ जस्ट इनके दुकान के सामने ये होटल है, और यहाँ पे इन्होंने हम लोगों को खिलाने का इंतज़ाम रखा है। तो आप भी जब भी कभी आरू वैली आओ तो आप यहाँ पे भी आ करके खा पी सकते हो। ये देखें, हमारी बिरयानी आ चुकी है और हम लोग बस इसको खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर। ये देखें आप, ये फिर इधर से हम लोग निकलेंगे और चलेंगे उधर पहाड़ी की ओर, और वहाँ पे देखेंगे वैली और वहाँ पे मैदान, और वहाँ पे फिर रेस्ट करेंगे, फिर शाम में और किसी जगह फिर घूमेंगे हम लोग। और हम लोगों ने वहाँ बस खाना खाया, और खाना खा करके अब हम लोग निकले घूमने के लिए, और यहाँ अभी हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। तो कहाँ कहाँ लेके जाओगे आप हमें आज? अभी यहीं के मैदान में अभी हम लोग घूमेंगे और आपको दिखाएंगे इधर के और नाले पर भी, इधर भी टूरिस्ट बहुत सारे, इधर सारे ये टूरिस्ट हैं, और इधर बहुत ही, इधर यहाँ पे होटल्स भी यहाँ बहुत हैं। और इधर से अब हम लोग आगे की ओर, इधर की ओर जा रहे हैं। इस जगह का नाम क्या है इधर का? आरू, इसी को कहते हैं फिलहाल, ये आरू है। हाँ, इधर से जो व्यू पॉइंट है, अलग अलग व्यू पॉइंट उन जगहों पे आपको लेके चलेंगे। आप इधर ये सामने ये आप पहाड़ देखें, बिल्कुल ही, हाँ यहाँ पहाड़ बिल्कुल सटे हुए हैं सारे पहाड़, और बिल्कुल पहाड़ में फुल ग्रीनरी है अभी। और जब यहाँ पे ठंडी का सीज़न होता है उस वक्त यहाँ पे तो पूरी चारों तरफ स्नो ही स्नो नज़र आती है, और ठंड बहुत ही ज़्यादा। और इधर आप देखें सारे इधर टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आए हुए, और इधर अलग अलग वहाँ भी मैदान, यहाँ आप देखें इधर भी यहाँ मैदान है, इधर भी ग्राउंड है, यहाँ पे भी लोग कैंपिंग करते हैं। और इधर से आप ये देखिए पूरा चारों तरफ यहाँ पे माउंटेन रेंज है। ये है शिवी होटल वो आगे जिसका कह रहे थे। और ये जो यहाँ आपको ये जो होटल दिख रहा है, ये होटल, ये है होटल फिमी, जो यहाँ पे सबसे महंगे होटलों में से एक है। और ऐसे बस ये ऊपर है ना, वो बर्फ है ना ऊपर, गेस्ट हाउस है सामने, वहाँ पे भी वो गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत है, इस वजह से यहाँ पे शांति है। हाँ, और टूरिस्ट होने की वजह से यहाँ पे हर जगह आपको रेस्टोरेंट्स, हर जगह आपको होटल्स मिल जाएंगे। तो जब भी आप आओ तो यहाँ आ करके आप ठहर सकते हो, रुक सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। ये है आरू वैली का असल नज़ारा। यहाँ पर ये पॉइंट है, इन पॉइंट को जाते हैं रिवर पॉइंट, ये केव है उधर ऊपर टॉप है, जहाँ पर मैं गया उधर टॉप है, उधर टॉप है, उधर उधर इधर वैली है, इधर हम लोग हर तरफ यहाँ पे चाहें तो जा सकते हैं। घोड़े की रेट बताई हुई आगे, अच्छा ये सारे घोड़े के रेट है, ये रिवर पॉइंट हो गया 600, देख सकते हैं केव हो गया 800, आरू वैली हो गया 1200, कूट पथरी 1200, ग्रीन टॉप 3000, लीडर वैली 3500। फिर तो ये काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। पैराग्लाइडिंग यहाँ होती है वो? पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ? पैराग्लाइडिंग ग्रीन वैली में होती है लेकिन आज नहीं होती। अच्छा, तो हम लोग बस इधर से अब ये सारे जितना हो सकेगा उतना घूमेंगे पहाड़, और आपको ये दिखाएंगे। इधर तो चारों ओर पहाड़ ही है, वो भी बहुत हर तरफ, और वो भी बहुत ही नज़दीक, और बहुत ही शाम ही को टाइम गए हम लोग, उधर शाम की टाइम में चलेंगे, उधर ज़बरदस्त मज़ा आता है उस टाइम। हाँ, तो आरू वैली जो ऊपर है पहाड़ी पे, जो वहाँ मैदान है, वहाँ हम लोग शाम में चलेंगे। और इधर यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे ये पिक्स क्लिक करते हैं लोग, और यहाँ पे ये गेस्ट हाउस, जो लोग यहाँ रहेंगे वो सोचे कितना कितना मज़ा होगा उनको, कितना वो व्यू, हर तरफ चारों ओर सीनरीज ही इनको दिखाई देंगे। और ये यहाँ ऊपर में, यहाँ ऊपर यहाँ पे अभी भी वहाँ पे वो बर्फ़ जमे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर में भी उतने भी बर्फ़ नहीं है जितने होने चाहिए, अभी उतने वो पहाड़ी गर्मी बहुत थी, इसी वजह से यहाँ पे आप देखें ऊपर में भी बर्फ़ नहीं है अभी,
वरना यहाँ पे कम से कम ऊपर में तो बर्फ रहती थी, लेकिन अभी नहीं है। और आप देखें इधर ये ग्रीनरी, और इधर से सब लोग यहाँ पे पिक्स क्लिक करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये एक तरह का ट्रैकिंग की जगह है, यहाँ पे आप आएँ, ट्रैकिंग करें, रुकें कुछ दिन, एंजॉय करें, फिर तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग बस ये होटल अल्पाइन के पार्क में जा रहे हैं, यहाँ पे इसके पार्क में थोड़ी देर रहेंगे, देखेंगे, आपको जितना हो सके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देखें ये नज़ारे, यहाँ से इधर से अभी हम लोग आए और अभी हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आप नज़ारे देखें यहाँ के, और इन्हीं सब होटलों के आगे आगे जो है यहाँ शूटिंग्स होती है, बहुत सारी शूटिंग यहाँ पे हुई है पहले भी, और यह क्योंकि यहाँ पे ये एक फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ आप देखें यहाँ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आपको दिखाई देंगे जितने भी यहाँ है सब। और यहाँ ऊपर से आप ये नीचे, ये कस्बा एक गांव है, इस गांव का आप देखें आप। इधर से ये जो पूरा नीचे से ये बिल्कुल नदी है, नदी बहती है, और उस नदी से वो जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इधर ये पूरा ये मैदान है इसका, ये वैली है, ये आरू वैली है। आरू वैली के जो मेन जो व्यू पॉइंट है वो हम लोग शाम में कवर करेंगे। ये तो अभी हम लोग बस एक रेस्टोरेंट के, एक होटल के पार्क में आ गए, उसके बने हुए ग्राउंड में आए हैं। आप ये देखिए जो है, ये नीचे बिल्कुल नाला बहता है, ये नदी है बिल्कुल एक, और ये नदी इतनी ठंडी नदी होती है, और इसका शोर, पानी का शोर, और ये इतनी स्पीड में ये नदी होती है इसके पहाड़ से। और ये नदी जो है ये बिल्कुल इस वाले माउंटेन से आता है यहाँ से, तो इस नदी यहाँ से होते हुए ये नदी इधर की ओर और फिर आगे की ओर बढ़ती है। तो ये नदी अगर हो पाया तो हम लोग उस नदी नीचे भी जाएंगे और वहाँ से भी आपको उस जगह के सीन्स दिखाएंगे। वो सबसे ऊपर, अच्छा ये वाला देखते हैं। और ये जो सामने है ये वाला, ये जो है ये ग्रीन टॉप है, वो वहाँ पर भी लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, हम लोग तो अभी उतने ऊपर नहीं जा रहे। इधर जो है ये ग्रीन टॉप है, और आप देख भी सकते हैं कितनी ग्रीन है, इसकी वजह से इसका नाम शायद ग्रीन टॉप रखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आए तो आप यहाँ की, यहाँ को देख करके आप खो जाओगे, ये बिल्कुल, ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अर्थ से इंडिया, हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सामने का व्यू देखिए, इधर पहाड़, ये बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं, ये बिल्कुल सीधे हैं, स्टीप है इनकी चढ़ाई है, चढ़ना बिल्कुल मुश्किल है, और नीचे से ये नदी बहती हुई है यहाँ से ये, और बिल्कुल आप देखें बिल्कुल स्टीप पहाड़ हैं ये, आप देखें इधर से सारे ये नजर।